स्वागत है आपका सिंघ ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों यहाँ आपको मिलेगी टॉप 3 न्यूज ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। शुरू करते हैं पहले अपडेट से, जो है एमजी मोटर्स जो का इलेक्ट्रिक एसयूवी eZS जिसको यूके में लॉन्च किया गया था 17 जुलाई को, पहली 1000 जो यूनिट्स थे उस पर इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया था तकरीबन 18,30,000 का। तो वो सारे बुकिंग्स जो 1000 यूनिट से सिर्फ 2 हफ्ते में उनकी पूरी सेल हो गई थी, बुकिंग हो गई थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए और पब्लिक डिमांड को देखते हुए दोबारा से एमजी मोटर्स ने और एक्स्ट्रा 1000 यूनिट्स को सेम प्राइस पर सेल करने की प्लानिंग की है। दोस्तों अगर हम एमजी के eZS की बात करें तो एमजी मोटर्स यूके की अपनी कंपनी है जिसको बाद में चाइना की SEIC ने टेक ओवर कर लिया था। अगर हम बात करें एमजी के eZS की तो इसके साथ इसी प्राइस में इंट्रोडक्टरी प्राइस में 7 किलोवाट का वॉल माउंटेड चार्जर भी दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि वैसे इसका 80 से 90 हज़ार रुपये इन चार्जर्स का 7 किलोवाट का प्राइस रहता है। तो उस चीज़ को फायदा उठाने के लिए और इंट्रोडक्टरी प्राइस का फायदा उठाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी बुकिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया में तो इसी साल दिवाली के आसपास इसको लॉन्च करने की प्लानिंग है और जब भी लॉन्च होगी तो मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है भारत की। सीधा कोना ह्युंडई कोना के साथ इसकी टक्कर रहेगी। eZS में जहां 44.5 किलोवाट लिक्विड कूल लिथियम आयन बैटरी हाई डेंसिटी आपको मिलने वाली है, रेंज 262 किलोमीटर की, इसकी एक्सेलरेशन 0 to 100 इन 8.5 सेकेंड और मोटर की पावर की बात करें तो 105 किलोवाट की आपको मिलने वाली है, चार्जिंग टाइम 0 to 100% इन जस्ट 6.5 आवर्स यूजिंग 7.5 किलोवाट का जो चार्जर है उसके साथ, और वहीं 0 to 100 अगर DC फास्ट चार्जर्स की बात करें तो 0 to 80% इज जस्ट 43 मिनट्स, इसमें 50 किलोवाट का अगर चार्जर आप यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों डायरेक्ट कंपटीशन रहेगा कोना के साथ जब भी इंडिया में लॉन्च होगी। तो देखते हैं इससे बाद और कोई नया अपडेट अगर निकल कर आएगा तो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। यहाँ सेकेंड अप निकल कर आया टाटा मोटर्स की तरफ से। हम सब जानते हैं कि GST में जो कट लगा है 7% का, पहले 12% था, अब कम कर 5% रह गया, उसकी वजह से काफी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसमें प्राइस में कट लगा है। यहाँ बात कर रहे हैं हम टाटा मोटर्स की, टाटा टिगोर, इसमें दोनों वर्जन की बात करेंगे विद सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी। पहले बात कर लेते हैं विद सब्सिडी, जहां पहले प्राइस 10,99,000 तकरीबन 11 लाख थी, वहीं अब नया प्राइस 9,96,000 है। विदाउट सब्सिडी, जो विद सब्सिडी है वो तो कमर्शियल या शेयरिंग प्लेटफॉर्म लाइक ओला उबर, वहां पर इसका ये प्राइस रहेगा। और आप पर्सनल यूज के लिए रखते हो तो वहां पर सब्सिडी नहीं है, वहां पर जहां पहले प्राइस 12,35,000 था अब वही 11,58,000 इसका प्राइस रह गया है। इसके अलावा 3 साल की वारंटी भी आपको मिलेगी साथ में अप टू 1,25,000 किलोमीटर तक, दोनों आपके साथ रहेगा 3 ईयर्स और 1,25,000 किलोमीटर्स, और ये दोनों पर रहेगी, ईवी पर फुल बॉडी पर और जो बैटरी पैक है उस पर भी रहेगी। जबकि कोना वगैरह के अगर हम देखें तो उस केस में काफी ज्यादा कम है, कोना में 8 साल की बैटरी पर वारंटी मिल रही है साथ में 1,60,000 किलोमीटर की, तो बिल्कुल उस चीज के साथ तो मुकाबला कहीं भी नहीं है इसका। दोस्तों ये था आज का सेकेंड अपडेट। यहाँ तीसरा लास्ट अपडेट है एथर एनर्जी की तरफ से, वो भी उसने भी अपना प्राइस एथर 450 का प्राइस तकरीबन 9,000 के आसपास कम किया है, ये भी उसी वजह से हुआ जो GST में कट लगा है 12% से कम कर 5% कर दिया गया है, 9,000 का तक फर्क पड़ा है। दोनों मॉडल्स की बात करते हैं, पहले करते हैं एथर 340 की, बेंगलोर प्राइस की बात करेंगे, अब प्राइस कम होकर रह गया 1,02,460 रुपए, वहीं एथर 450 का प्राइस अब रह गया आफ्टर GST कट 1,13,715। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की तो इस टाइम एथर आपको बेंगलोर के साथ साथ अब चेन्नई में भी इसकी अवेलेबिलिटी है, वहां पर आपको मिल रहा है। इसके बाद 2023 तक इसको दिल्ली NCR, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और 30 सिटीज में इसको लॉन्च करने की प्लानिंग है 2023 तक। इसके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंशन में अच्छी खासी फंडिंग हुई है, नया प्लांट लगाने की प्लानिंग चल रही है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी एक्सपेंशन रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से एथर 450 या मैं 340 की नहीं 450 की बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से नंबर वन इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आज इंडिया में कोई है तो वो है एथर 450, तो इसके लिए थम्स अप तो एक बनता ही है। दोस्तों बिल्कुल प्राइस कम हुआ है GST कम होने की वजह से, लेकिन एक और रीजन है जिसकी वजह से जो प्राइस है और ज्यादा कम होने वाला है वो है BS6। अगले साल अप्रैल 2020 तक के बाद जो BS6 नॉर्म्स लागू होंगे उसके बाद जो दूसरी पेट्रोल या डीजल पावर गाड़ी है उनका प्राइस बढ़ने वाला है, बिल्कुल कंपनीज ने कह दिया कि उसका 1,00,000 से 1,50,000 रुपए तक प्राइस का फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में जो इनका डिफरेंस रहेगा
नॉर्मल पेट्रोल पावर या इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो डिफरेंस है वो और ज्यादा कम होने वाला है। तो बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, चाहे वो टैक्स कम होने से, चाहे BS6 नॉर्म्स लागू होने से, या मास प्रोडक्शन के बाद जो नई नई कंपनीज आ रही है, कंपटीशन बढ़ेगा उन सबसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, या वर्ल्ड वाइड लिथियम आयन जो आयन है, बैटरीज है, इसका प्राइस कम हो रहा है, इन सब चीजों से जो ओवरऑल जो डिफरेंस है काफी कम होता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि 2020 तक बहुत ज्यादा एट पार ये प्राइस आ जाएगा, तो उसके बाद बिल्कुल इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा। दोस्तों आज का ऐसा सारे अपडेट्स, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।